हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही सिंपल डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है बनाने में। इस डिज़ाइन का आप कार्डिगन स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हो। ये डिज़ाइन सिर्फ 4 रोज का डिज़ाइन है, आपको 4 रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 6 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिच में फंदा लेना होगा। मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 6 प्लस 4। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। रॉन्ग साइड रोज आपको उल्टा बुनना है पूरी रो। इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 9 2 टाइम्स 9 प्लस 6 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 4 एज स्टिच करके टोटल 28 फंदा डाला है। फर्स्ट रो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। एज स्टिच को एक फंदा के से स्लिप करना है, फिर ऐसे धागा आगे करना है, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। ये 2 फंदे को छोड़कर धागा पीछे करना है। फर्स्ट में आपको पीछे से एक बार एन ओवर करना है ऐसे। अब 2 फंदा स्लिप करना है नीट वाइज से, 1 2। फिर इस 2 फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से। अब 2 फंदा सीधा, 1 2। अब इस 2 फंदों को एक फंदा बनाना है आगे से। अब पीछे से एक बार एन ओवर करना, सॉरी धागा आगे करना है। अब आगे से एक बार एन ओवर। अब लास्ट में 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब ये रिपीट करना है आपको। इस 2 फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एन ओवर। 2 फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से। 2 फंदा सीधा, 1 2। फिर 2 फंदों को एक फंदा बनाना है आगे से। फिर आगे से एन ओवर। फिर लास्ट में 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। फिर से एक बार रिपीट करना है। यहाँ पर धागा पीछे। अब पीछे से एक बार एन ओवर करना है इसे। अब 2 फंदा स्लिप, 1 2। अब इस 2 फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से। अब 2 फंदा सीधा, 1 2। अब इस 2 फंदों को एक फंदा बनाना है आगे से। अब धागा आगे करना है। अब आगे से एन ओवर। अब 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब ये रिपीट करना है आपको। यहाँ तक मैंने इस 2 फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 बार रिपीट किया है। फिर आपको लास्ट में 8 फंदा बचेगा, 2 4 6 8। 8 फंदा बचेगा, इसको क्या करना है देखिए। धागा पीछे करना है, पीछे से एन ओवर, 2 फंदा स्लिप, 1 2। फिर 2 फंदे के एक फंदा बनाना है बैक लूप से। अब 2 फंदा सीधा, 1 2। अब फिर आगे से 2 फंदों को एक फंदा बनाना है। अब धागा आगे करना है। आगे से एक बार एन ओवर, सॉरी एन ओवर करके एक फंदा उल्टा। फिर धागा पीछे। अब एक फंदा, लास्ट का एक फंदा सीधा। ये रिपीट करना है। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड रो आपको रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो कंप्लीट कर लिया है। थर्ड रो राइट साइड एक फंदा की स्लिप करना है एज स्टिच। फिर धागा आगे करना है, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। इस 2 फंदों को छोड़कर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब पीछे से एक बार हैंड ओवर करना है इसे। अब इस 2 फंदों की स्लिप करना है, अब 1 2। फिर 2 फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से। अब इस 2 फंदों को एक फंदा बनाना है आगे से। अब फिर से एन ओवर करना है, धागा आगे करना है, सॉरी फिर से एन ओवर करना है। अब एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे। अब 3 फंदा उल्टा, 1 2
अब ये रिपीट करना है आपको, इस दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक फंदा सीधा एंड ओवर, दो फंदों का एक फंदा बनाना है आगे से, सॉरी बैक लूप से, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाना है आगे से एंड ओवर, एक फंदा सीधा, लास्ट में तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। एक बार रिपीट किया है यहाँ तक मैंने, फिर से एक बार रिपीट करना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा एंड ओवर, दो फंदा स्लिप, एक दो। अब ये दो फंदों का एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाना है आगे से, अब एंड ओवर एक बार, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, लास्ट में तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। यहाँ तक मैंने दो बार रिपीट किया है स्लिप फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक, अब ये रिपीट करना है। फिर आपको लास्ट में आठ फंदा बचेगा, दो चार छः आठ, इसको क्या करना है देखिए, धागा पीछे करना है, एक फंदा सीधा एंड ओवर, दो फंदा स्लिप, एक दो, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाना है आगे से, फिर एंड ओवर, अब एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, लास्ट में एक फंदा सीधा। थर्ड रो कम्प्लीट कर लिया है, फोर्थ रो, फोर रो रंग साइज सब उल्टा बुन के कम्प्लीट करना है। फोर रो कंप्लीट कर लिया है, देखिए फोर रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, आपको वन से फोर रो तक ही रिपीट करना है, फिर से यहाँ से आपको रो वन से स्टार्ट करना है राइट साइड से, फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।